हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड अपडेट दिस इज देवशी शवस्थी जैसे आपको पता होगा मैं प्रीवियस ईयर यूपीएससी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था जो प्रीलिम्स में आए हुए हैं पिछले 12 साल के करीबन क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया हूं और आज जो टॉपिक वाइज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है इंडियन पॉलिटी पहले तो सब्जेक्ट बता दूँ इंडियन पॉलिटी के मैं प्रीवियस ईयर यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रलिम्स के क्वेश्चन कवर करूँगा या देखिए टॉपिक है लेजिस्लेचर ठीक है आप देख रहे हैं मैंने अगर आप मेरी प्ले चेक करेंगे तो मैं पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे करा रहा हूं टॉपिक वाइज ओके एक बार आपने ये कर लिया ना तो आपके एग्जाम एग्जाम में आपको ये समझ में आएगा क्वेश्चंस किस तरह एग्जाम में आते हैं ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं और याद रखिए यूपीएससी का कोर्स हमारा है यूपीएससी के नोट्स हमारे हैं अगर आप उसके बारे में एनरोल करना चाहते हैं तो मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है आप इस पर कांटेक्ट करिए आपको यूपीएससी के कोर्सेज के बारे डिटेल मिलेगी और अगर आप कोर्सेज क... प्लस नोट्स दोनों लेना चाहते हैं प्लीज एक बार कांटेक्ट करिए और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन कर रखा वहां से भी आप एनरोल कर सकते हैं ओके और मैं आपको बताऊंगा किस तरह के पॉलिटी क्वेश्चन आते हैं टोटली यूपीएससी क्वेश्चन है जो आए हुए हैं कैसे सॉल्व किया जाता है यह भी आपको इस लेक्चर में समझ में आएगा ओके तो लेट स्टार्ट सबसे पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं यूपीएससी ट्वेंटी का प्रमिम्स का इंडियन पॉलिटिकल लेजिस्लेचर टॉपिक से क्वेश्चन है देखिए दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट के रिगार्डिंग आंसर है देखिए सी डी तो ऑप्शन ये है कि एक स्टेटमेंट सही है दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है ओके okay. तो पढ़ते हैं पहला स्टेटमेंट क्या है इन इंडिया प्रेजेंट्स आर मैनेज बाय स्टेट गवर्नमेंट विद देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन इन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन तो पहले तो आपको पता हो चाहिए क्या प्रेजेंट जो होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करती है बिल्कुल अगर आप पढ़ेंगे शेड्यूल अगर आपने सेवन शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा जहां पर स्टेट लेट यूनियन लेस्ट और कंकरेंट लिस्ट मैंशन है तो प्रेजेंट जो वो स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है ओके okay. तो ऑफकोर्स पहला स्टेटमेंट सही है सेकेंड स्टेटमेंट इन इंडिया प्रेजेंट आर गवर्न बाय द प्रेजेंट एक्ट 1894 ओके विच एक्सप्रेस केप्ट द सब्जेक्ट ऑफ प्रेजेंट इंड कंट्रोल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्रोविंशियल मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स की बात कर रहा है ये बात भी सही है याद रखिएगा पहले भी प्रेजेंस जो था वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हाथ में ही रहता था है ना तो दोनों स्टेटमेंट अगर देखा जाए सही है और एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन भी है क्योंकि अभी मैंने आपको बताया प्रेजेंस एक्ट इन इंडिया प्रेजेंस प्रेजेंट्स गवर्नमेंट प्रेजेंस एक्ट बिल्कुल सही है स्टेटमेंट भी सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी है तभी तो, तो स्टेट गवर्नमेंट इसको क्या करती है रेगुलेट कर पाती है प्रेजेंस को ओके तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट, ओके? क्योंकि आ, मैंने अभी आपको बताया है, क्या बताया प्रेजेंट जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है याद रखिएगा तो चाहिए है, है ना शेड्यूल्स में जो लिस्ट दी हुई है याद रखिएगा कौन सी किस लिस्ट में आता है यूनियन लिस्ट में स्टेट लिस्ट में मैंने पढ़ाया हुआ है उससे क्वेश्चन इजिली सॉल्व किया जा सकता है, okay? Next, again, का है। और ये क्वेश्चन जो है वो फाइनेंस बिल और मनी बिल के रिगार्डिंग है ठीक है अब फाइनेंस बिल और मनी बिल आपको पता हो चाहिए इसका डिफरेंस क्या होता है मैंने पढ़ाया हुआ है बट स्टिल अगर नहीं पता होगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा मैं पहले बता दूं तो फाइनेंस बिल और मनी बिल पर क्वेश्चन है थोड़ा तो सा बेसिक बताया बताएगा मनी बिल अंडर आर्टिकल 110 रहता है और फाइनेंस बिल अंडर आर्टिकल हंड्रेड रहता है और उसमें भी दो टाइप के हैं याद रखिएगा अभी एक्सप्लेन करूंगा आर्टिकल सेवेंटीन वन है और एक सेवेंटीन थ्री पर भी है याद रखिएगा दो तो अलग अलग फाइनेंस बिल के टाइप्स भी हैं ओके तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है तीन स्टेटमेंट है इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताना आजकल ये बड़ा टिपिकल क्वेश्चन हो गया यूपीएससी के प्रॉब्लम्स में आपने देखे होंगे क्वेश्चंस किस तरह आ रहे हैं मतलब एक स्टेटमेंट सही है दोनों सही है तीनों सही है तो डिफिकल्ट हो जाता है चलिए पढ़ते हैं पहला स्टेटमेंट वेन द लोकसभा ट्रांसमिट फाइनेंस बिल टू द राज्यसभा इट कैन एमेंड और रिजेक्ट द बिल मैं बताऊँ फाइनेंस बिल जो होता है उसका जो प्रोसीजर है चलने का याद रखिएगा वो बिल्कुल ऑर्डनरी बिल की तरह है ठीक है है ना मतलब ऐसा नहीं है कि प्रोसीजर्स को कोई डिफरेंट हो बिल्कुल चलने का प्रोसीजर मैं भी एक्सप्लेन करूंगा डिफरेंस आपको इस आंसर का मैं एक्सप्लेन भी करूँगा बट अभी याद रखना फाइनेंस बिल बिल्कुल जो चलता है ना बिल्कुल ऑर्डनरी बिल की तरह करता है ठीक है मतलब राज्यसभा क्या कर सकता है एमेंड कर सकता है रिजेक्ट कर सकता है ऑर्डनरी बिल को भी करता है तो ये स्टेटमेंट है सही ओके

लोकसभा राज्यसभा एक साथ बैठे उसका कोई प्रोसीजर नहीं है बिल्कुल सही है और बताया ना बिल, तो चलता बिल्कुल, बिल की तरह है। तो जो बिल में भी ज्वाइंट होती, होती है तो तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑल ऑप्शन आंसर है ठीक है अब मैं देखिए मैंने यहां पर डिफरेंस आपके लिए पहले तो मनी बिल हंड्रेड टेल के अंदर फाइनेंस बिल मैंने भी बताया हंड्रेड सेवेंटी वन और हंड्रेड दो टाइप के फाइनेंस बिल है ठीक है अब यहाँ पर आपके एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने डिफरेंस भी मैंशन कर रखा है कुछ चीजें मैं आपको बेसिक बेसिक बता देता हूँ देखिए फाइनेंस बिल जो है वो फाइनेंस बिल वन और फाइनेंस बिल टू मैंने लिख रखा है ठीक है ये मतलब ये अंडर आर्टिकल वन हंड्रेड सेवनटीन वन अंडर आर्टिकल वन हंड्रेड सेवनटीन थ्री है ये और मनी बिल आर्टिकल एक सौ दस है ठीक है बेसिक बता दूँ याद रखिएगा मनी बिल जो है प्रायर परमिशन चाहिए होगा प्रेसिडेंट के अंदर प्रेसिडेंट बोलेगा तभी इंट्रोड्यूस होगा ठीक है यहाँ पर फाइनेंस बिल वन जो है याद रखिएगा उस पर क्या है उस पर याद रखिए प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन की यहां पर भी जरूरत है बट यहां पर नहीं है प्रेसिडेंट की परमिशन जो 117. 3 में आता है है दूसरा, है ठीक दूसरा ना राज्यसभा मनी बिल को रिजेक्ट और अमेंड नहीं कर सकता बट इन दोनों केस में कर सकता है क्योंकि प्रोसीजर मैंने बताया बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ऑर्डनरी बिल की तरह तो रिजेक्ट और अमेंड कर सकता है ओके यहां पर याद रखिए स्पीकर डिसाइड करता है मनी बिल मनी बिल है कि नहीं है ओके ऐसा यहां पर कुछ नहीं है कि कोई डिसाइड करेगा फाइनेंस बिल है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है ओके मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली लोकसभा यस मनी बिल सिर्फ लोकसभा में होता है जबकि फाइनेंस बिल वन जो है ये लोकसभा में ही होगा बट फाइनेंस बिल जो मैंने अभी बताया आपको सेकेंड वाला जो हंड्रेड में है वो कहीं भी इंट्रोड्यूस हो सकता है लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी ठीक है आगे डिफरेंस अगर बताऊं आपको सो मनी बिल जो है वो याद रखिए यहां पे कोई ज्वाइंटिंग नहीं होती बट फाइनेंस बिल के दोनों ही बिलों में ज्वाइंटिंग होती है ये आर्टिकल 110 के अंदर है यह हंड्रेड सेवनटीन वन सेवनटीन थ्री हंड्रेड आर्टिकल सेवनटीन वन और आर्टिकल हंड्रेड सेवनटीन थ्री के अंदर है मनी बिल के प्रोविजन जो होते हैं कौन सा मनी बिल होगा स्पीकर डिसाइड करेगा बट आर्टिकल एक के अंदर याद रखेगा है वो प्रोविजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछे आते हैं हंड्रेड आर्टिकल टेन के अंदर जो भी प्रोविजन है वो याद रखिए मनी बिल के अंदर होंगे और अगर मैं फाइनेंस बिल वन की बात करूँ तो इसमें आर्टिकल हंड्रेड के तो प्रोविजन्स होंगे उसके साथ साथ में अदर लेजिस्लेटिव याद रखिएगा चीज़ें भी मेंशन हो सकती है वो मैटर भी मेंशन हो सकते हैं वो ये हो गया जबकि ये फाइनेंस बिल सेकंड वाला था यहां पर आर्टिकल 110 के प्रोविजंस नहीं होंगे याद रखिएगा है ना यहां पर कौन कौन से प्रोविजंस होंगे यहां होंगे प्रोविजंस ऑन एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया याद देखिए कंसॉलिटेड फंड ऑफ इंडिया के जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो मैं होंगे बट आर्टिकल हंड्रेड टेन के प्रोसीजर्स मैं नहीं होंगे ओके okay? तो ये एक बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए

President का ऑर्डर होता है तभी वो एरिया शेड्यूल एरिया डिक्लेयर होता है फर्स्ट स्टेटमेंट सही है ओके थर्ड स्टेटमेंट पढ़ता हूं ऐसे ही थर्ड पढ़ रहा हूं मैं चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट टू यूनियन होम मिनिस्ट्री है ना रिगार्डिंग वट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया ऐसा कुछ नहीं है यार देखिए जो गवर्नर होता है वो रिपोर्ट सबमिट करता है वो भी प्रेसिडेंट को ओके okay? यहाँ पे तो दोनों चीजें गलत लिखी है अगर थोड़ा सा भी आपने पढ़ा होगा तो आप इसको कट कर सकते हो मतलब एक तो सही है और एक ऑप्शन तो गलत है मतलब एक सही है मतलब नन नहीं हो सकता ऑल थ्री नहीं हो सकते क्योंकि एक गलत है अब सिर्फ बचा सेकंड स्टेटमेंट

टू ओके okay? और यहां मैंने लिख दिया गवर्नर जो होता है वो प्रेजेंट को रिपोर्ट देता है ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आता है यूपीएससी का क्वेश्चन है ठीक है देखिए इतने सारे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जबकि सबसे आसान क्वेश्चन है ये ठीक है में पूछा गया था किसका डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा बहुत ही इजी क्वेश्चन है कैसे देख लेते हैं पहला लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा द इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर शैल बी हेल्ड ऑन सच डेट द स्पीकर में फिक्स क्योंकि स्पीकर डिसाइड करता है इलेक्शन कब होगा डिप्टी स्पीकर का सही स्टेटमेंट लग रहा है मुझे इट इज अ मैंडेटरी प्रोविजन दैट इलेक्शन ऑफ अ कैंडिडेट ऑफ डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा शैल बी फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी और द रूलिंग पार्टी ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि डिप्टी स्पीकर अपोजिशन या रूलिंग पार्टी से होगा ऐसा कहीं मैंशन नहीं है तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है सेकेंड रॉन्ग है तो मतलब ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता ठीक है थर्ड स्टेडमेंट तो ऑटोमेटिकली सही हो गया क्वेश्चन कट करते ही थर्ड से पढ़ लेते हैं तब भी डेप्यूटी स्पीकर है सेम पावर ज स्पीकर वाइल प्रिसाइडिंग द सिटिंग ऑफ द हाउस बिल्कुल जो प्रिसाइड करता है डेप्यूटी स्पीकर सेम पावर्स रहते हैं थर्ड तो सही है अब वन ऑफ़ फोर में से एक ही स्टेटमेंट सही है फोर्थ पढ़ लेते हैं द वेल स्टैब्लिश पार्लियमेंट्री प्रैक्टिस है रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ डेप्य स्पीकर इज दैट मोशन इज मूव बाय द स्पीकर और उसको एक्सेप्ट करता है मतलब सेकेंड करता है प्राइम मिनिस्टर ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कहीं मैंशन नहीं कि ऐसा कोई मोशन वोशन मूव किया जाएगा याद रखेगा बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट ऐसा कोई पार्लियामेंट्री प्रोसिडिंग नहीं है तो करेक्ट आंसर वन एंड थ्री दट इज ऑप्शन नंबर ए एंड थ्री इज द करेक्ट आंसर ठीक है देखिए मैंनेशन भी कर रखा है no पर कोई मोशन पास होता है स्पीकर पास करता है उसको प्राइम मिनिस्टर सेकेंड से करता है ऐसा कहीं भी मैं नहीं है ओके चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं सर्विस का क्वेश्चन है पॉलिटी का क्वेश्चन देखते हैं विद रेफरेंस टू एंटी डिफेक्शन लॉ क्वेश्चन पूछा गया है आप सबको बताओ एंटी डिफेक्शन लॉ शेड्यूल टेन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें लिखा हुआ है लॉ स्पेसिफाइड दैट नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन सिक्स मंथ ऑफ बींग अपॉइंटेड टू द हाउस बिल्कुल उल्टा स्टेटमेंट है याद रखिएगा जब नॉमिनेटेड मेंबर याद रखिएगा क्या अपॉइंट होता है अपॉइंट uh, होता है राज्यसभा में ठीक है ये कहीं भी नॉमिनेट होता है फॉर एग्जाम्पल लोकसभा में तो अब एंग्लो uh, इंडियन नहीं होते उनको हटा दिया गया है बट याद रखिए बोला कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर अगर अपॉइंट होता है तो छह महीने तक वो ज्वाइन कर सकता है याद रखिएगा इसमें लिखा है कि छह महीने तक नहीं करेगा उसके बाद करेगा ऐसा कुछ नहीं है वो विद इन सिक्स मंथ चाहे तो कर सकता है हाँ आफ्टर सिक्स मंथ ही कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी तो पहला स्टेटमेंट तो जस्ट उल्टा लिख दिया कैन नॉट ज्वाइन नहीं इट कैन ज्वाइन ओके पहला गलत है दूसरा लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच प्रिडिंग ऑफिसर हैज टू डिसाइड डिफेक्शन लॉ बिल्कुल ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि प्रिइिंग ऑफिसर डिसाइड करेगा डिफेक्शन लॉ कितने दिनों में ऐसा कहीं मैंशन नहीं है ठीक है तो ये स्टेटमेंट सही है पहला रॉन्ग है तो करेक्ट आंसर बी है दैट इज ए टू ओनली ओके आपने अगर मेरे लेक्चर्स देखे होंगे तो ये इजी क्वेश्चन है वरना ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जब आप एग्जाम में इतने बड़े बड़े क्वेश्चन देखते हो तो ओके चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा इजी क्वेश्चन है मेरा मानना है लोकसभा का एक्सक्लूसिव पावर यूपीएससी ट्वेंटी टू के, के प्रलंश में आया था ठीक है डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी अरे इसमें तो लोकसभा राज्यसभा दोनों का ही रोल है ठीक है इमरजेंसी को रेटिफाई करना डिक्लेन रेटिफाई द डिक्लेन ऑफ एमरजेंसी दोनों का रोल है लोकसभा का स्पेशल थोड़ी ना है तो गलत है टू पास अ नो कॉन्फिडेंस मोशन ये लोकसभा ही पास करता है नो कॉन्फिडेंस मोशन इन ऑफ द प्रेजेंट ये भी लोकसभा राज्यसभा दोनों करते हैं तो करेक्ट आंसर क्या होगा टू ओनली दैट इज बी ठीक है इजी क्वेश्चन था अगेन ठीक है इसे लेक्चर्स पढ़े होंगे उनके लिए बहुत आसान लग रहे हो क्वेश्चन जिन्होंने नहीं पढ़े उनके लिए डिफिकल्ट हो सकते हैं ये ओके नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन है ठीक है मैंने आपको बता दूं पॉलिटी से 20 से 25 फाइव परसेंट क्वेश्चन आपके प्रॉब्लम्स में आते हैं इसलिए पॉलिटी की सीरीज जरूर देखो ठीक है मैं इसको कंप्लीट करा दूंगा आपके एग्जाम्स वाले सारे सब्जेक्ट्स करा दूंगा गो थ्रू जरूर करके जाना क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा ओके इसमें बताना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है पढ़ लेते हैं अब बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ऐसा कुछ नहीं है भाई अगर अमेंड करना है कॉन्स्टिट्य को प्राय रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है ओके पहला स्टेटमेंट रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेजेंट ऑफ इंडिया एंड उसके ओब्लिगेट्री है कि वो असेंट दे बिल्कुल सही है ट्वेंटी फोर्थ अमेडमेंट एक्ट नाइनटीन सेवेंटी वन से बोल दिया गया था कि अगर अमेंडमेंट बिल पास हो तो जाता है तो प्रेजिडेंट को साइन करना कंपल्सरी है सेकेंड स्टेटमेंट तो सही है ओके फर्स्ट गलत है फर्स्ट गलत तो देखो सीधे आंसर आ गया ऑप्शन तो मेजोरिटी है? है ना एंड देयर इज नो प्रोविजन ऑफ ज्वाइंटिंग नहीं होती इसमें, और से पास होना पड़ता है तो वैसे तो वन गलत करते ही आंसर आ गया था बट करेक्ट आंसर ऑप्शन आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन एट यूपीएससी ट्वेंटी ट्वेंटी का क्वेश्चन है आप क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन क्या है along with the budget finance minister also places the other documents before the parliament which include द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट ये एक तरीके से इकोनॉमी देश की इकोनॉमी जो है उसके बारे में पूरा डाटा बताती है ग्रोथ वगैरह के बारे में ओके तो ये जो रख रहे हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ठीक है डॉक्यूमेंट इज प्रेजेंटेड बिकॉज इट इज मैंडेटेड क्यों रखते हैं वो पार्लियामेंट में क्यों ऐसा कहीं मैंडेटरी कहीं लिखा हुआ है क्या क्या पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है ऐसा करना ओके आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा मैंशन है ठीक है दो तो आर्टिकल ही लिखे हुए हैं या फिजिकल एफ एक्ट जो है टू का उसमें मेंशन है ओके तो मैं बता दू ये एफ एक्ट

पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ठीक है पार्लियामेंटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको पता होना चाहिए तो क्या आंसर हो सकता है ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ इन दार्लिमेंट आर रिप्रेजेंटेटेड इन द गवर्मेंट ऐसा कुछ नहीं है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन भी रिमूव बाई बिल्कुल लोकसभा में अगर मेजोरिटी चली गई आपकी जो पार्लियामेंट का ही पार्ट है तो आपको रिमूव किया जा सकता है सेकंड सही लग रहा है अब थर्ड पर लेते हैं

फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेटमेंट है देख लेते हैं UPSC 2020 का का स्टेटमेंट है, है पढ़ लेते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, आप लोग एक बार करेंगे, मैं मौका दे रहा हूं आपको क्योंकि ये क्वेश्चन जल्दबाजी में बहुत गलत होते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर्सन वोट जो वोट कर सकता है मतलब 18 साल या अठारह साल से ऊपर ओके कैन बी मेड अ मिनिस्टर इन अ स्टेट फॉर सिक्स मंथ इवन इफ ही शी इज नॉट द मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट अगर अब मैं लेजि साल का हूं तो क्या मुझे आप बना सकते हो क्या लेजिस्लेचर uh, मेंबर नहीं बना सकते भाई एमएलएमपी बनने के लिए मिनिमम आपको लोकसभा में या विधानसभा में जाना ट्वेंटी फाइव ईयर्स एज होनी चाहिए विधान परिषद या तो राज्यसभा में जाना थर्टी ईयर्स एज होनी चाहिए ऐसा नहीं कि वोट कर सकता हूं उन्नीस साल का हूं चला जाऊंगा पहला स्टेटमेंट सीधा रॉन्ग है सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट नाइन

तो कन्विक्ट हो गया वो ठीक है पांच साल वो जेल जाएगा फिर जेल से बाहर आएगा उसके सिक्स इयर्स तक वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता मतलब तो पांच साल तो सजा हो गई प्लस सिक्स और लीजिए तो मतलब इलेवन ईयर्स एक तरीके से मोटा मोटा देखा है वो इलेक्शन नहीं फाइट कर पाएगा ओके तो ऐसा नहीं परमानेंटली है बट इलेवन ईयर्स तक वो इलेक्शन फाइट नहीं कर पाएगा क्योंकि पांच साल की सजा है मान लो तीन साल की सजा होती तो थ्री प्लस सिक्स नाइन ईयर्स तक इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर पाता तो ये जो है स्टेटमेंट है रॉन्ग पहला भी रॉन्ग तो करेक्ट आंसर डी नाइदर वन नॉट टू बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते क्वेश्चन राज्यसभा इज इक्वल पावर विध लोकसभा यूपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि राज्यसभा इज इक्वल पावर विध लोकसभा किस मैटर में अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्स लोकसभा राजसभा दोनों से बिल पास होना जरूरी है कोई ज्वाइंट सेटिंग नहीं होती है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी दैट इज अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ओके और आपको भी पता है आर्टिकल थ्री हंड्रेड सिक्सटी एट में हम करते हैं ओके okay? चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूपीएससी 2019 का प्रलेंस का क्वेश्चन है जिसमें दो तीन स्टेटमेंट है ठीक है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के स्टेटमेंट्स दिख रहे हैं बट देखिए थर्ड स्टेटमेंट पढ़िए

टू तब भी पढ़ देते हैं कि पार्लियामेंट एक्ट 1959 फिफ्टी नाइन एग्जेट सर्वल प्रोस्ट फ्रॉम डिसक्फिकेशन द ग्राउंड्स ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल्कुल कुछ पोस्ट हैं जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से क्या रखिएगा क्या रखा गया Exemption दिया गया हुआ है बिल्कुल सही है द अब टाइम्स अब ये तो बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है फाइव टाइम्स अमेंड किया है कि नहीं तो मुझे भी नहीं पता बट स्टिल देखिए मैंने आंसर निकाल दिया है तो इसको फाइव टाइम्स अमेंट किया गया है ओके तो बार बार नई नई पोस्ट एड करते हैं एक्जेम करने के लिए तो अमेंट किया गया है इसको तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए एंड और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आ आर्टिकल 102 में मेंशन है और आर्टिकल 191 में मेंशन है बट डिफाइंड नहीं है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की डेफिनेशन प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है ओके okay? चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13th पे आते हैं यूपीएससी 2018 का क्वेश्चन है है ना तीन स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट को बहुत इजीली मैं सॉल्व कर लूंगा कैसे लिखा हुआ इन फर्स्ट लोकसभा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द अपोजिशन वो स्वतंत्र पार्टी अरे कांग्रेस की सरकार आई थी जब सबसे पहला इलेक्शन हुआ था और अपोजिशन में सीपीआई थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया स्वतंत्र पार्टी थोड़ी ना थी अपोजिशन में याद रखिएगा वैसे तो मैक्सिमम सीट्स कांग्रेस के पास ही थी बट अपोजिशन जो था वो सीपीआई थी फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है फर्स्ट रॉन्ग है मतलब टू स्टेटमेंट तो सही है कि लीडर ऑफ अपोजिशन रिकॉग्नाइज फर्स्ट टाइम इन 1969 कैसे सही होगा मुझे नहीं पता था बट टू तो सही होगा स्टेटमेंट देख लेते हैं इन द लोकसभा इफ पार्टी डज नॉट है मिनिमम सेवेंटी फाइव मेंबर्स द लीडर ऑफ अपोजिशन कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज ऐसा नहीं है आपको पता होगा टेन परसेंट आपके पास अगर लोकसभा सीट्स जितनी भी है उसका टेन परसेंट आपके पास है तो आपका याद रखिएगा आपका लीड ऑफ पोजीशन बनेगा तो फिर फाइव फिफ्टी अगर हम मान लेते हैं एक तरीके से मोटा मोटा देखें लोकसभा की सीट्स है तो टेन परसेंट होगा फिफ्टी फाइव मेंबर्स ना कि सेवेंटी फाइव मेंबर्स सेवेंटी फाइव मेंबर्स लिखा हुआ है फिफ्टी फाइव मेंबर्स होंगे तो लीडर ऑफ पोजिशन बन सकता है बना सेवेंटी फाइव लिखा हुआ तो ये स्टेटमेंट भी हो गया रॉन्ग तो करेक्ट आंसर बी टू ओनली तो आपने देखा किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व किया गया इजी वे होता है वहां पर आपको पैनिक नहीं करना है क्वेश्चंस को आपको आराम से पढ़ना है यू एबल टू सॉल्व देम ओके तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है देख सकते हैं मैंने सारी चीजें यहाँ पर मेंशन भी कर दी जो जो मैंने बोली है, आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं ओके पीपीटी पीडीएफ तो मैं आपको दे ही दूंगा नेक्स्ट कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अगेन यूपीएससी 2018 के का क्वेश्चन uh, है प्रीलिम्स का दो स्टेटमेंट हैं पहला स्टेमेंट पढ़ते हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस पर्टिकुलर लॉ इन नाइन शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल नाइन शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आप प्लेस कर सकते हैं ओके नाइन शेड्यूल 1951 में याद रखिएगा फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से एड किया गया था ओके okay? अब लिखा हुआ जो लॉ इसके अंदर रखा जाएगा नाइन्थ शेड्यूल के अंदर इट कैन नॉट बी एग्जामिड बाय एनी कोर्ट एंड नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट बड़ा ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट लग रहा है और गलत भी है याद रखिएगा नाइन्थ शेड्यूल के अंदर अगर अब आप कोई भी लॉ ऐड करते हैं तो जुडिशियल रिव्यू हो सकता है उसमें याद रखिए ऐसा नहीं कि जजमेंट वगैरह नहीं

र बींग प्रॉपरली एक्सरसाइज बाय द एक्टिव विद इन द स्कोप ऑफ सच डेलीगेशन तो कौन सी कमिटी सब जो काम करती है यहां पर डेलीगेशन वर्ड भी लिखा हुआ है ठीक है डेलीगेट है करना मैंने डेलीगेटेड लेजिस्टेशन पढ़ाया हुआ है याद रखिएगा है ना और डेलीगेटेड लेजिस्टेशन को ही सबॉर्डिनेट लेजिस्टेशन कहते हैं अगर आपको पता हो तो ठीक है और ये अगर आप पढ़ेंगे तो करेक्ट आंसर तो बी है कमिटी ऑन सबॉर्डिनेट लेजिस्टेशन क्योंकि जिस तरह वर्ड्स यूज किए गए उनको मैंने पकड़ा है डेलीगेटेड लेजिस्टन रूल्स सब रूल्स बाय लॉस तो ये समझ जाइए इसका जो काम है सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन जो है वो कमेटी देखती है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मतलब आप जब पार्लियामेंट अपने काम जो होती है या रही डेलीगेट कर देती है अदर्स को कि आप वो काम करके दें हमको ठीक है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है और और किसको देती है अफकोर्स जो उनके सेक्रेटरीज वगैरह रहते हैं मिनिस्टर जनरली उनको डेलीगेट कर देते हैं कि तुम्हें ये काम करके मुझे देना है ओके तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है चलिए नेक्स्ट राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रेंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ओके विच ऑफ़ द फॉलोइंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करेक्टली अप्रोप्रिएटली अप्प्लाइड टू दिस स्टेटमेंट अब देखिए सीधा ही बोल दिया है इसने क्या स्टेटमेंट ही दे दिया है कि राइट टू प्राइवेसी राइट टू लाइफ ऑफ पर्सनल लिबर्टी के अंदर मतलब तो आर्टिकल नंबर ट्वेंटी वन जो कि माई फंडामेंटल राइट है यूपीएससी टू थाउंड एटीन का क्वेश्चन है सबसे ईजिएस्ट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें एक ही ऑप्शन है ऑप्शन बस ही जो आर्टिकल ट्वेंटी वन की बात कर रहा है ना फ्रीडम गाइटेड इन पार्ट थ्री मतलब अगर आपको यह पता हो राइट टू लाइफ पार्ट uh, थ्री के अंदर आर्टिकल ट्वेंटी वन के अंदर तो यू कैन मार्क डायरेक्टली आंसर ऑप्शन नंबर सी तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी होते हैं डायरेक्ट इजी क्वेश्चन भी होते हैं आप डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते हैं उनको ओके नेक्स्ट रिगार्डिंग मनी बिल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट मैंने अभी बताया था मनी बिल आर्टिकल हंड्रेड टेन के अंदर आता है उसके कुछ प्रोविजन्स हैं वो आपको याद करके रखने हैं वो बहुत बार आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जाएंगे पुराने तो क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड आया है तो मनी बिल के प्रोविजन्स आपको याद होने चाहिए देखिए टू में फिर से पूछा गया इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है गलत है मनी बिल के अकॉर्डिंग तो सारे स्टेटमेंट सही है आप थर्ड स्टेटमेंट पढ़िए मनी बिल इज कंसर्न विद द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया यूपीएससी का तरीका है याद रखिए एक लाइन चेंज कर देना एक वर्ड चेंज कर देना यहां पे कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होगा अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता तो, तो ये डिफिनेशन सही होती बट कंटीजेंसी दे दिया है तो यह स्टेटमेंट हो गया है गलत बाकी सही है ए बी डी अगर आप पढ़ेंगे 110 के अंदर प्रोविजंस तो बिल्कुल ही प्रोविजंस जो दिए गए हैं वो सही प्रोविजंस दिए गए हैं और जो लोग तैयारी कर रहे हैं आप जरूर आर्टिकल 110 एंड टेन के प्रोविजन पढ़ के जाना कोई स्टेटमेंट क्वेश्चन फ्रेम किया गया है बहुत बार ओके नेक्स्ट यूपीएससी यूपीएससीन का का क्वेश्चन है स्टेटमेंट्स दिए गए दो स्टेटमेंट आई थिंक इजिए क्वेश्चन है ये स्पीकर ऑफ असेंबली शैल वेकेट हिज और हर ऑफिस इफ शी सीजेस टू बी द मेंबर ऑफ द असेंबली बिल्कुल स्पीकर डिप्टी स्पीकर याद रखियेगा मेंबर होना जरूरी है किसके असेंबली के तभी वो स्पीकर हो सकते हैं तो पहला स्टेटमेंट सही है ठीक है उनको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा अगर उनकी याद रखिएगा अगर वो मेंबर ऑफ असेंबली नहीं है तो ओके वेन एवर लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिजोल्व ठीक है द स्पीकर शैल वैकेट हिज और ऑफिस इमीडिएटली ऐसा कुछ नहीं है याद रखिए जब लेजिस्लेटिव असेंबली डिजॉल्व होती है तब स्पीकर इमीडिएटली पोजिशन को नहीं लीव करता है तो थे स्टेटमेंट है रॉन्ग पहला स्टेटमेंट है करेक्ट तो ओके चलिए क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन ओके का का है या, <coughs> याद रखिएगा मैं यूपीएससी क्वेश्चन करा रहा हूं इसलिए इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं एग्जाम में आजकल इस तरह के ही क्वेश्चन आ रहे हैं और प्रीवियस ईयर हैं मैं अपने आप से क्वेश्चन लेके नहीं आया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप समझिए क्वेश्चन किस तरह आ रहे हैं okay? नेक्स्ट क्वेश्चन है दो स्टेटमेंट दिए गए इन द इलेक्शन ऑफ लोकसभा और स्टेट असेंबली द विनिंग कैंडिडेट मस्ट गेट एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट ऑफ द वोट्स पोल्ड टू बी डिक्लेयर इलेक्टेड ऐसा कुछ नहीं है यानी कि ज्यादा नंबर ऑफ वोट लाओ जीत जाओ ऐसा नहीं फिफ्टी परसेंट वोट आने हैं मतलब तो सौ वोट पड़े तो फिफ्टी वन वोट आएंगे तभी जीतोगे ऐसा कुछ नहीं है ठीक है आपके तीस हैं सबसे ज्यादा है बाकी के दो बीस पंद्रह अट्ठारह ऐसा करके आप जीत जाओगे तो पहला स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन लेट डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लोकसभा स्पीकर पोस्ट गोस टू मेजोरिटी पार्टी डेप्यूटी स्पीकर पोस्ट गोस टू अपोजिशन ऐसा कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में स्पीकर पोस्ट अपोजिशन को स्पीकर uh, मेजोरिटी को मिलेगी और डेप्य स्पीकर अपोजिशन जनरली ऐसा देते हैं वो लोग बट ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में तो यह स्टेटमेंट भी है रॉन्ग दोनों स्टेटमेंट है रॉन्ग तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी नाइदर वन और टू ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी एट आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज इन वन दैट ब्रिंग्स आउट द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन है कैबिनेट कैबिनेट फॉर्म फॉर्म ऑफ ऑफ गवर्नमेंट गवर्नमेंट को ही हम कहते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ठीक है तो देखिए बार बार बोलता हूँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भाई क्वेश्चन बार बार रिपीट किया है ओके तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के जो फीचर्स है ना उनको आप जरूर देख लेना एग्जाम में वो आएगा ठीक है तो देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एकदम फिक्स करता है ठीक है थर्ड स्टेटमेंट में पढ़ता हूं अ मैकेनिज्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉर इंश्योरिंग कलेक्टिव रिस्पॉसिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द पीपल ठीक है ऐसा स्टेटमेंट लिखा दिखाओ पहला पढ़ते हैं अरेंजमेंट फॉर मिनिमाइजिंग क्रिटिसिजम अगेंस्ट द गवर्नमेंट हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी आर कॉम्प्लेक्स एंड हार्ड टू कैरी आउट सेटिस्फेक्शन फॉर ऑल ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं मैं बताऊं देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है जो गवर्नमेंट रहती है दे आर रिस्पांसिबल टू लोकसभा जनरली देखा है लोकसभा है पार्लियामेंट आप कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल रहती है ठीक है लोकसभा में कहाँ से लोग आते हैं हम लोग वोट करते हैं वो लोग वहाँ पहुँचते हैं ठीक है थीके? और याद रखिएगा तो वो लोग जो है लोकसभा में उनकी मेजोरिटी चली जाती है तो उनको वो सीट छोड़नी पड़ेगी ओके तो थर्ड सेगमेंट फिर से पढ़ता हूँ मैं अ मैकेनिज्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉर इंश्योरिंग कलेक्टिव रिस्पॉसिबिलिटी जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है याद रखिए वो लोकसभा में लाई करती है अब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द पीपल लिखा हुआ है अब टू द पीपल लोकसभा में जो लोग हैं वो लोगों के द्वारा ही तो इलेक्ट होकर आ रहे हैं तो यहां पर लोकसभा लिखता तो और इजी हो जाता कलेक्टिव रिस्पॉसिबिलिटी टू लोकसभा डायरेक्ट आंसर लगा देता मैं बट यहां पर इनडायरेक्टली लिखा है उसने गवर्नमेंट टू द पीपल तो पीपल के लोग जो है वहां रिप्रेजेंट हो रहे हैं कहाँ लोकसभा में तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बस सी ही है बाकी स्टैंड बिल्कुल ही अलग अलग टाइप के दिए हुए हैं देखिए मैंने आप इसलिए एक्सप्लेन भी कर दिया आपके लिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ही कैबिनेट फॉर्म कहते हैं और मैंने लिखा काउंसिल ऑफ मेर कलेक्टिव रिस्पॉन्सि टू हाउस ऑफ द पीपल दैट इज लोकसभा बट यहां पर स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो यहां पर गवर्नमेंट टू द पीपल लिखा हुआ है तो वो भी करेक्ट आंसर ही होगा तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है ओके okay? तो कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट्स बना देते हैं बड़े बड़े इसमें आप छोड़ दो क्वेश्चन बट ऐसा छोड़ना नहीं है इजी क्वेश्चन ही है ओके नेक्स्ट यूपीएससी टू का क्वेश्चन है ओके okay? प्रेम्स का क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ठीक है आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं दो स्टेटमेंट है आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ओके लेट्स रीड इट आउट प्राइवेट मेंबर बिल इज़ अ बिल प्रेजेंटेड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट इलेक्टेड बट नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अरे प्राइवेट मेंबर बिल वो होता है जो मिनिस्टर को छोड़ के कोई भी उस बिल को ला दे बस मिनिस्टर ना लाए मिनिस्टर लाएगा तो गवर्नमेंट बिल होगा ठीक है पब्लिक बिल होगा बट अगर मिनिस्टर को छोड़ के कोई भी ला दे चाहे अपोजिशन पार्टी का हो चाहे उन्हीं पार्टी उसी पार्टी का हो उसे प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि इलेक्टेड नॉमिनेटेड लाएंगे फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है रिसेंटली प्राइवेट मेंबर हैज बिन प्राइवेट मेंबर बिल हैज में पास अरे आज तक इतिहास में कोई प्राइवेट मेंबर बिल जो है पास नहीं हो पाया है याद रखिए मतलब उस पर कोई कानून नहीं बन पाया आज तक तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है ना इधर वन नॉर टू बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग ठीक है सो डी इज द करेक्ट आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी टू फॉर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा अ नॉमिनेशन पेपर कैन बी फाइल्ड बाय अगर आपको लोकसभा इलेक्शन भी हैं ठीक है यूपीएससी टू का क्वेश्चन है क्या देखिएगा तो लोकसभा का इलेक्शन है ठीक है तो नॉमिनेशन पेपर कौन फाइल कर सकता है लेटर सपोज मुझे इलेक्शन लड़ना है एनी वन डिसाइडिंग इन इंडिया अरे फॉरनर भी तो रहते हैं क्या वो फर भर दे सकते हैं नहीं तो एनी वन डिसाइडिंग इन इंडिया नहीं एनी सिटीजन ऑफ इंडिया अरे कोई पाँच साल का बच्चा सिटीजन ऑफ इंडिया क्या वो भी भर सकता है नहीं भाई ऐसे एनी सिटीजन ऑफ इंडिया भी नहीं ठीक है बी पढ़ते हैं अ रेजिडेंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यसी फ्रॉम विच द इलेक्शन इज टू बी कंटेस्टेड मतलब वहीं से आप लोकसभा का इलेक्शन भर सकते हो जहाँ से आपको लड़ना है याद रखिए मतलब रेसिडेंट मतलब आपको जैसे लेटर सपोज मुझे एक्स कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ना है तो याद रखिएगा मेरे को इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का होना जरूरी है ऐसा लिखा हुआ है कि भाई उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप होने चाहिए जहां से आपको इलेक्शन लड़ना है तभी आप इलेक्शन लड़ पाओगे नॉमिनेशन पेपर फाइल कर पाओगे ऐसा कुछ नहीं है मैं चाहूँ तो दिल्ली से लड़ जाऊँ मेरा मन करे मैं इंदौर से लड़ जाऊँ मैं कहीं से भी लड़ सकता हूँ ठीक है तो ऐसा नहीं है कि मुझे पर्टिकुलर वहाँ पर रहना या देखिए उस कॉन्स्टिट्यूएंसी पर रेसिडेंट होना जरूरी है ये भी गलत है स्टेट में गलत तो करेक्ट आंसर डी होगा एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम अपियर्स इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ अ कॉन्स्टिट्युएंसी आप किसी भी इलेक्टोरल रोल में याद आपका नाम हो आप कहीं से भी लड़ सकते हैं तो बेस्ट आंसर यही होगा बट इसमें भी अब देखिए इनमें से बेस्ट में निकाला वैसे भी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप कहेंगे सर आ, हमारा वोटे वोटिंग का अठारह साल से ऊपर होंगे तो हमारा नाम मेंशन होगा वहाँ पर बिल्कुल मेंशन होगा उन्नीस साल हो गए तब भी नाम मेंशन होगा बट इनमें से और उन्नीस साल में हम इलेक्शन कैसे लड़ सकते हैं लोकसभा का ट्वेंटी फाइव ईयस होना चाहिए बिल्कुल सही कह रहे हो बट यहाँ पर देखिए बेस्ट आंसर निकालना है ये तीन तो बिल्कुल ही गलत है और चौथा जो है वो सही स्टेटमेंट है इसमें और ये भी लिख सकते थे मतलब एज जो होगी वो आपकी ट्वेंटी फाइव उससे ऊपर होनी चाहिए ओके, बट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा ठीक है आप किसी भी इलेक्टोरल से आप कहीं भी इलेक्शन लड़ सकते हो ऐसा नहीं उसी होना जरूरी हो, ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री में आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आ क्वेश्चन है दो स्टेटमेंट है अ बिल पेंडिंग इन लोकसभा इन प्रोरोगेशन प्रोरोगेशन का मतलब होता है सेशन को खत्म करना जो प्रेसिडेंट करता है सेशन खत्म होने के बाद अगर मान लो बिल पेंडिंग है लोकसभा में तो क्या वो खत्म हो जाएगा अरे नहीं खत्म होगा गया डिजॉल्व थोड़ी ना हुई है लोकसभा सिर्फ प्रोरोगेशन हुआ मतलब सिर्फ सेशन खत्म हुआ है तो ऐसा नहीं होता है कि लैप्स कर जाए ठीक है सेकेंड स्टेटमेंट अब बिल पेंडिंग इन राज्यसभा विच हैज नॉट बीन पास बाय लोकसभा मतलब राज्यसभा में याद देखिएगा पेंडिंग है है ना और लोकसभा में भी नहीं आया है और क्या होता है है ना शैल नॉट लैप्स वेन द रेजोल्यूशन ऑफ लोकसभा हैपन मतलब लोकसभा डिजोल्व हो गई राज्यसभा में बिल पड़ा हुआ है ठीक है लोकसभा अभी टच नहीं किया मैंने पढ़ाया हुआ है याद करिए आप मैंने इस तरह ट्रिक भी रटवाई थी आपको कि लोकसभा में वो बिल अभी पहुंचा ही नहीं है ओके लोकसभा में पास ही हुआ राज्यसभा में ही पेंडिंग है और लोकसभा डिजोल्व हो जाती है तो क्या वो बिल शेल नॉट लैप्स बिल्कुल वो बिल लैप्स नहीं होगा तो ये स्टेटमेंट सही है फर्स्ट रॉन्ग है तो करेक्ट आंसर है टू ओनली मैंने ये केसेस बताए हैं कब बिल लैप्स होता है याद रखिएगा ये कंडीशन आप पढ़िए क्योंकि मैंने सारी चीजें बताई हुई हैं ऑलरेडी तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है प्रोरोगेशन का मतलब मैंने अभी आपको बताया कुछ देर पहले सेशन को खत्म करना ओके okay, जो प्रेजेंट करता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर्थ यूपीएससी टू थाउजेंड सिक्सटीन का क्वेश्चन है देख लेते हैं द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्वायर्स द पावर ऑफ पावर टू लेजिस्लेट ऑन एनी आइटम इन द स्टेट लिस्ट स्टेट लिस्ट में भी पावर uh, है लेजिस्टिव कानून बनाने के इन द नेशनल इंटरेस्ट इफ द रेजोल्यूशन ऑफ दिस इफेक्ट हैजी पास पाए नेशनल इंटरेस्ट ऐसा कर सकती है बट उसके लिए याद रखिएगा राज्यसभा को स्पेशल मेजोरिटी से याद रखिएगा राज्यसभा बाई मेजोरिटी नॉट लेस देन टू बाई थर्ड टू बाई थर्ड ऑफिच मेंबर प्रेसिडेंट वोटिंग से पास करना पड़ेगा तभी लोकसभा ऐसा काम कर सकती है मतलब जो पार्लियामेंट है सॉरी वो कर सकती है मतलब फिर अगर राज्यसभा ने परमिशन दे दी तो याद रखिएगा पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है स्टेट लिस्ट पर भी कानून बना सकती है ये आर्टिकल नंबर में है मैंने पढ़ाए हुए हैं है ना ये राज्यसभा का एक तरीके स्पेशल पावर है उसी के बोलने पर ऐसा काम हो पाएगा तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है मैंने लिख भी रखा आर्टिकल नंबर टू फोर्टी द पार्लियामेंट कि वो स्टेट लिस्ट पर किसी नेशनल इंटरेस्ट पर लॉ बना सकते हैं ठीक है तो उनको लिए लेकिन राज्यसभा को पहले ये एक बिल पास करना पड़ेगा रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा ओके ओके वो भी कितना प्रेजेंट एंड वोटिंग से इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज यूपीएससी टू थाउजें फिफ्टीन का क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन था पहले देखिए कितने क्वेश्चन आते थे 2015 में क्वेश्चन है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया इज बिकॉज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉसिबल टू द लोकसभा बिल्कुल सही है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पांसिबल टू लोकसभा और डिटेल में बताऊं, इज अ फ्यूचर ऑफ याद रखिए पार्लियमेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ठीक है मैंने इसलिए बोला पार्लमेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर जरूर पढ़ो ये बिल्कुल सही सबसे बेस्ट स्टेटमेंट जो है डी इ करेक्ट आंसर ठीक है ऐसा नहीं बाकी स्टेटमेंट गलत है पार्लियामेंट एन एम कॉन्स्टिट्यूशन यह सब भी सही लिखा हुआ है याद रखिएगा बट डी जो है वो सिग्निफाई करता है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द करेक्ट आंसर चलिए स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट है बताना कौन सा स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है पढ़ते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट इन इंडिया ओके कैन कैन बी लार्ज इन साइज देन हाफ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट ठीक है तो पहले बता दूं लेटिव काउंसिल की साइज कितनी हो सकती है जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबली की साइज होगी याद रखिएगा ठीक है उसकी वन थर्ड याद रखिएगा है ना मैक्सिमम साइज हो सकती है लेजिस्लेटिव काउंसिल की है ना और मिनिमम सीट्स होनी चाहिए फोर्टी ये मैंने पढ़ाया हुआ है फोर्टी मिनिमम और वन थर्ड जो लेटिव असेंबली की सीट्स होंगी उसके बराबर आपकी कोई भी सीट जो होंगी लेजिस्टिव काउंसिल की डिसाइड हो सकती है बट ये स्टेटमेंट वन हाफ वगैरह लिखा हुआ गलत स्टेटमेंट है ठीक है दूसरा गवर्नर ऑफ द स्टेट नॉमिनेट चेयरमैन ऑफ लेजिटिव काउंसिल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट ऐसा कुछ नहीं है इलेक्शन होता है याद रखिएगा जो चेयरमैन होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल है गवर्नर नॉमिनेट नहीं करता दोनों ही स्टेटमेंट क्या है गलत है सो डी इज द करेक्ट आंसर दैट इज नाइदर इधर वन नॉट टू आप यहाँ देख सकते हैं सारी चीजें मैंने बताई है फोर्टी मेंबर्स मिनिमम होने चाहिए ठीक है ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर मैंशन की हुई है ओके

प्रेजेंट ऑफ वोटिंग से बिल पास कर दिए जाते हैं ठीक है आज तक कितने बार ज्वाइंट सीटिंग बुलाई गई है कमेंट बॉक्स में बताओ मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको दो तीन या चार ओके okay? तो कमेंट बॉक्स में बताओ कितने बार आज तक ज्वाइंट सीटिंग बुलाई गई है ओके okay? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दैट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इसमें ये यूपीएससी 2015 का क्वेश्चन है ओके okay? इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ओके लेट्स गो वन वन बाय तीन स्टेटमेंट है, पहला है राज्यसभा हैज नो पावर आइडा टू रिजेक्ट और अमेंड द मनी बिल देखिए मनी बिल वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा है ओके okay? कि राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है आईडा टू रिजेक्ट और अमेंड द मनी बिल बिल्कुल सही स्टेटमेंट है राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट्स बिल्कुल वोट ऑन ग्रांट्स कि जो डिमांड पे वोट होता है वो सिर्फ लोकसभा का एक्सक्लूसिव पावर है तो ये भी सही है राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब आम भाषा में बोले तो बजट नहीं वो डिस्कस कर सकता है याद रखिएगा तो ये स्टेटमेंट कैन नॉट डिस्कस गलत है ठीक है पहला और दूसरा सही है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है वन एंड टू याद रखिएगा डिस्कस कर सकता है ऐसा नहीं को डिस्कस नहीं कर सकता हो तो वन एंड टू सही है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर वन ऑफ 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 द द फॉलोइंग शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन अभी मैंने आपको बताया एंटी डिफेक्शन किस शेड्यूल में टेंथ शेड्यूल में है थ्रू फिफ्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन एटी फाइव टेंथ शेड्यूल को एड किया गया था याद रखना आपको रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्टी एट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट यूपीएससी 2014 का क्वेश्चन लार्जेस्ट कमिटी कौन सी है ठीक है आपके सामने कुछ कमिटीज लिखी है कमेटी ऑन एस्टिमेट्स ये दिस इज द लार्जेस्ट कमिटी इसमें जो लिखा हुआ है जो जो कमिटीज की गई उसमें सबसे ज्यादा मेंबर्स जो है वो कमिटी ऑफ एस्टिमेट्स में कितने थर्टी मेंबर्स और तीस के तीस मेंबर बिलोंग टू लोकसभा याद रखना आपको ऑल द थर्टी मेंबर्स कहां से आते हैं लोकसभा से आते हैं तो एस्टिमेट कमिटी

ठीक दोनों स्टेटमेंट सही है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बोथ वन एंड टू आर द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी सेकेंड में आते हैं यूपीएससी टू का क्वेश्चन है अगेन तीन स्टेटमेंट है बताना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं रिगार्डिंग वॉट पार्लियामेंट्री कमिटीज में पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात कर रहे हैं कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 25 फाइव मेंबर्स ऑफ लोकसभा गलत है याद है कि मेरे रोड ट्वेंटी फाइव हैं पब्लिक काउंट कमिटी में ठीक है और पंद्रह होते हैं लोकसभा से, सेवन होते हैं राज्यसभा से तो 22 टू मेंबर्स होते हैं 25 फाइव डी का वन गलत है वन गलत है मतलब इसमें से बी और सी में से कोई करेक्ट आंसर होगा थ्री स्टेटमेंट तो सही है एग्जामिन द रिपोर्ट ऑफ कैक कैक की रिपोर्ट यही एग्जामिन करती है, सही है। ओके के से स्कूटेज अप्रप्रोप्रिएशन फाइनेंस अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट ये भी सही है स्कूटे अप्रोप्रिएटन फाइनेंस अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी दैट इज टू एंड राज्यसभा थ्री इन द कंटेक्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ प्रिंसिपल्स आर इंप्लाइड इंस्टीट्यूशनली इन द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट मैं बार, बार बता रहा हूं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पर क्वेश्चन हर बार फ्रेम किए जा रहे हैं ठीक है ये यूपीएससी टू का क्वेश्चन है ठीक है पर इसके स्टेटमेंट दिए गए थर्ड स्टेटमेंट में ऐसी पढ़ने का मन कर रहा है मेरा कैबिनेट इज हेडेड बाय हेड ऑफ द स्टेट आपको पता होगा हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है प्रेसिडेंट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है प्राइम मिनिस्टर तो हेड ऑफ द स्टेट कौन हुआ प्रेसिडेंट क्या प्रेसिडेंट हेड करता है कैबिनेट को आप लोग कहेंगे नहीं सर प्राइम मिनिस्टर हेड करता है तो थर्ड स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग थर्ड रॉन्ग है तो देखो सीधे आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए वन एंड टू तो कभी कभी याद है पहले क्वेश्चन जो आते थे वो डायरेक्ट ऐसे आपको या दस क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे एग्जाम में नॉट ओनली फ्रॉम पॉलिटी अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो जहां पर इससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा तो ये आपके लिए बोनस है इनको नहीं छोड़ना आपको तो करेक्ट आंसर ए वन एंड टू आप वन और टू, टू पढ़ भी लेते हैं जो सही है मेंबर्स ऑफ कैबिनेट आर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बिल्कुल जो कैबिनेट के मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के मेंल्ड ऑफिस टिल्लियमेंट ऑफकोर्स टिलस दार्लियमेंट और स्पेसिफिकली अगर बोले तो लोकसभा है ना क्योंकि लोकसभा में कॉन्फिडेंस होगा तभी तक आपकी सरकार रहेगी ओके तभी तक मिनिस्टर रहेंगे तभी तक प्राइम मिनिस्टर रहेंगे बट यहां पर स्टेटमेंट सही मानेंगे अपन ओके तो करेट आंसर ऑप्शन ऑप्शन नंबर यह गलत है तो वन एंड टू दट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ओके देख सकते हैं वही स्टेटमेंट जो बोले हैं। वो लिखे हुए हैं 34th क्वेश्चन में आता है यूपीएससी 2013 का क्वेश्चन है अगेन दो स्टेटमेंट है बोला गया है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आर नॉट द मेंबर्स ऑफ द हाउस अरे बिल्कुल होते हैं चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ठीक है अच्छा तो बता दू चेयरमैन तो नहीं होता है राज्यसभा का मेंबर याद रखिएगा बट डिप्टी चेयरमैन तो होता है तो ये स्टेटमेंट हो गया इसीलिए रॉन्ग चेयरमैन नहीं होता बट डिप्टी चेयरमैन होता है याद रखिएगा तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग सेकंड स्टेटमेंट वाइल द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट हैव नो वोटिंग राइट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ठीक है तो आपको पता होगा जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही वोट करते हैं नॉमिनेटेड नहीं करते हैं सही है बट दे हैव द वोटिंग राइट इन इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट यस इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा पार्टिसिपेट करते हैं जबकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये स्टेटमेंट सही है पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ओनली दैट इज स्टेटमेंट इज करेक्ट फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग तो बी ओनली इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट यूपीएससी टू का क्वेश्चन अगेन वॉट विल फॉलो इफ द मनी बिल सबस्टेंशियली एमेंडेड बाय द राज्यसभा अगर मनी बिल को राज्यसभा एमेंड कर देता है तो क्या होगा चार स्टेटमेंट सीधा सा एक आंसर है ओके okay. पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं लोकसभा में स्टिल प्रोसेस विद द बिल ओके उसको वो प्रोसेस करेगा एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग एक्सेप्ट करेगा चाहे नहीं एक्सेप्ट करेगा द रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा बिल्कुल ऐसे ही है राज्यसभा सजेस्ट करेगा बट लोकसभा जो लोकसभा के पास है वो एक्सेप्ट करे चाहे नहीं करे और बिल को आगे बढ़ा सकता है बिल्कुल सही है तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही लग रहा है सेकेंड पढ़े थे लोकसभा के नॉट कंसिडर द बिल फॉर ऐसा कुछ नहीं है मनी बिल का तो लोकसभा के पास ही पावर है लोकसभा में बिल टू राज्यसभा फॉर रिकेशन ऐसा भी नहीं है याद रखिएगा प्रेसिटेंट कॉल ज्वाइन सर होती ही नहीं है बनी बिल में तो रखिएगा ठीक है है पहला स्टेटमेंट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड इंट्रोडक्शन ऑफ बिल इन लोकसभा ओनली अरे कहीं भी बिल इंट्रोड्यूस करो लोकसभा या राज्यसभा ऐसा नहीं कि लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस करना है तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग सच एन अमेंडमेंट सीक्स टू मेक चेंजेस इन द फेडरल करेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द अमेंडमेंट ऑल्सो रिक्वायर्स टू बी रेटिफाइड बाई द लेजिस्लेचर ऑफ ऑल द स्टेट ऑफ इंडिया मतलब अगर फेडरल स्ट्रक्चर में चेंज आएगा तो आपको जितने भी स्टेट्स ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया से पूछ रे, रेटिफाइड कराना पड़ेगा तभी जाके एमिट होगा तो आपने पढ़ा होगा नहीं सर ऑल द स्टेट्स नहीं है हाफ ऑफ द स्टेट्स से आपको मतलब जितने भी स्टेट्स हैं उसके हाफ कर दो उतने स्टेट्स की लेजिस्लेचर से आपको रेटिफाई करना पड़ेगा ना कि ऑल स्टेट्स तो ये स्टेटमेंट भी हो गया रॉन्ग देखिए सिर्फ एक लाइन ऑल वर्ड से पूरा स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया तो ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखिए ध्यान से पढ़िएगा जल्दबाजी में मत पढ़िएगा इसका करेक्ट आंसर डी नाइदर वन नॉट टू क्योंकि जल्दबाजी में पढ़ने की वजह से इस स्टेटमेंट को लोग बहुत लोग सही मान लेते हैं बट जबकि गलत स्टेटमेंट है नेक्स्ट यूपीएससी का क्वेश्चन है सिविल सर्विसेज का थर्टी सेवन क्वेश्चन पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इंप्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज इंटरनेशनल ट्रीटीज को इंप्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट <coughs> जो है वो लॉ बना सकता है होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया इसमें स्टेट का कंसेंट होगा कि नहीं आप क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं याद रखिएगा आपने आर्टिकल पढ़ा होगा आर्टिकल नंबर टू फिफ्टी टू और टू फिफ्टी थ्री आर्टिकल ओके okay? तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स से बताना है जो लोग थोड़ा सा पढ़ाई कर रहे हैं इसका पहला आंसर बता देता हूं विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट इंटरनेशनल ड्रिटीज के लिए आपको विदाउट द कंसेंट ऑफ दी स्टेट याद रखिएगा पार्लियामेंट लॉ बना सकता है ठीक है अब आपको मुझे बताना है ये किस आर्टिकल में मेंशन है ठीक है ऑप्शन में दे रहा हूं 252 में कि 253 में ठीक है ये दो आर्टिकल में से किसी एक में पॉइंट मेंशन है यू हैव तो टू टेल मी इन कमेंट बॉक्स जो लोग यहां तक लेक्चर देख रहे हैं मतलब सीरियस स्टूडेंट्स हैं पूरे क्वेश्चन देखना चाह रहे हैं तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स से बताना है ओके चलिए तो विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट आप ऐसा कर सकते हो चलिए क्वेश्चन यूपीएससी टू का क्वेश्चन है अगेन ऑफिस ऑफ लोकसभा स्पीकर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्पीकर पे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं चलिए तीन स्टेटमेंट है पहला स्पीकर होल्ड ऑफिस ड्यूंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट अरे ऐसा कुछ नहीं है स्पीकर प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पर तो न रहता है याद रखिए उसका तो इलेक्शन होता है प्रॉपरली ठीक है तो वन स्टेटमेंट रॉन्ग है वन रॉन्ग है इसका मतलब बी ओ डी में से कोई करेक्ट होगा इफ़

तो ये नॉट रिप्रेजेंटेड तो ये तो गलत हो गया रिप्रेजेंटेड है सेकंड है इलेक्शन का चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो था तो वो इलेक्शन डिस्प्यूट्स देखता रहे ऐसा नहीं है इलेक्शन डिस्प्यूट्स आपको ही पता होगा है ना कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं देखता है इलेक्शन डिस्प्यूट्स को ओके तो ये तो डिपेंड करता है हाई कोर्ट पर जा सकता है ठीक है अगर आपको uh, कोई एमएलए या एम पी का कोई डिस्प्यूट है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर डिस्प्यूट्स को नहीं देखता है ठीक है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा अरे लोकसभा राज्यसभा ओनली नहीं लोकसभा राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट

पढ़ेंगे किस तरह पब्लिक जो पैसा है सरकार लोगों का जो आपका पैसा आप टैक्स वगैरह जो भी देते हो सरकार किस तरह उस पर रेगुलेशन लगे हुए हैं ठीक है पार्लियामेंट्री का कंट्रोल है पब्लिक फाइनेंस जो पब्लिक पैसा है उस पर है ना एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल आपको प्रॉपर एक बजट के थ्रू पास करना पड़ता है तभी आप पैसा निकाल सकते हो ये एक प्रोसीजर है विदड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम कंसोल्टेंट फंड ऑफ इंडिया ओनली आफ्टर पासिंग द अप्रोप्रिएशन बिल बिल्कुल आपको बिल पास करना पड़े तभी कंसोल्टेंट फंड ऑफ इंडिया से आप मनी विदड्रॉ कर सकते हैं ओके प्रोविजन ऑफ सप्लीमेंट्री ग्रांच एंड वोट एंड अकाउंट बिल्कुल ये भी प्रोसीजर ठीक है, है? मतलब पूरी तरीके जो बजट के प्रोसीजर्स है ना वो सब पार्लियामेंट्री कंट्रोल है पब्लिक फाइनेंस पर ठीक है फोर्थ देखते हैं और एटलीस्ट रिव्यू ऑफ ऑफ प्रोग्राम द गवर्नमेंट अगेंस्ट द मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट एंड एक्सपेंडिचर द पार्लियामेंट्री बजट ऑफिस अरे ऐसा कोई बजट ऑफिस ही नहीं है पार्लियामेंट्री बजट ऑफिस जिसका ये काम हो ठीक है याद रखेगा और ये एस्टिमेट्स वगैरह के लिए जरूर एस्टिमेट कमेटी होती है बट ऐसा पार्लियामेंट्री बजट ऑफिस कुछ नहीं होता है ठीक है स्टेटमेंट रॉन्ग है इंट्रोड्यूसिंग फाइनेंस बिल इन द पार्लियामेंट मैंने कहा ना जो बजट के प्रोसेस है ना वो सब पब्लिक फाइनेंस का पार्लियामेंट्री कंट्रोल होता है ठीक है तो वन टू थ्री फाइव जो है वो करेक्ट आंसर है फोर जो है ऐसा बजटरी पार्लियामेंट्री बजट ऑफिस ऐसा करके कुछ भी नहीं है मैंने लिख भी रखा है इज नो पार्लियामेंट्री बजट ऑफिस टू रिव्यू द प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट ओके ऐसा कुछ नहीं है है ना तो ये या आपको याद रखना है चलिए नेक्स्ट फोर्टी सेकंड क्वेश्चन में आते हैं यूपीएससी टू थाउजेंड ट्वेल्व का क्वेश्चन है

डेडलॉक आ गया बिटवीन लोकसभा राज्यसभा उसके अंदर ज्वाइंट सिटिंग बुलाई गई है किसके लिए ज्वाइंट सेटिंग बुलाई जा सकती है ऑर्डनरी बिल बिल्कुल ऑर्डनरी बिल के लिए बुलाई जा सकती है मनी बिल मनी बिल के लिए नहीं बुलाई जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन बिल उसके लिए भी नहीं बुलाई जाएगी बुलाई जाएगी याद देखिए यूपीएससी 2012 का क्वेश्चन है सिर्फ ऑर्डनरी बिल के लिए और फाइनेंस बिल के लिए भी बुला सकते हैं आप ठीक है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए दैट इज वन ओनली बट मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में कोई भी ज्वाइंट सेटिंग नहीं होगी ओके फोर्टी फोर्थ क्वेश्चन यूपीएससी टू थाउजेंड इलेवन का क्वेश्चन है द ऑथराइजेशन ऑफ विड्रॉल ऑफ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम ठीक है याद रखिएगा जो जो विड्रॉल करते हैं कैसे आप विड्रॉ कर सकते हैं उसके लिए याद रखिएगा या पार्लियामेंट के पास ही पावर है ठीक है मैं आप अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो पार्लियामेंट के पास ही ये पावर दिया गया टू विड्रॉ वॉट द फंड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ओके तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है नेक्स्ट फोर्टी यूपीएससी टू थाउंड का क्वेश्चन है ऑल द रेवन्यूज रिसीव्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट बाय वे ऑफ टैक्सेस एंड अदर रिसिप्ट द कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस एक्ट क्रेडिटेड टू द कहां जाता है सरकार का जो भी पूरा पैसा आता वो कहां इकट्ठा रहता है वो सारा पैसा जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में याद रखिएगा गवर्नमेंट का सारा पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही रहता है फोर्टी सिक्स यूपीएससी टू इलेवन का क्वेश्चन है वेन द एनुअल यूनियन बजट इज नॉट पास बाय द लोकसभा अगर बजट पास नहीं कर पाते हैं लोकसभा से तो क्या होगा अरे नहीं होता तो सरकार गिर जाएगी याद रखेगा द प्राइम मिनिस्टर सबमिट्स द रेजिग्नेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सरकार को अपना यार रेजिग्नेशन देना पड़ जाएगा अगर बजट नहीं पास होता है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है ओके लास्ट क्वेश्चन जो है यूपीएससी 2011 का क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वोट ऑन अकाउंट एंड इंटरिम बजट ठीक है क्वेश्चन पूछा गया है ना वोटर अकाउंट और इंटरिम बजट पे क्या क्वेश्चन आएगा क्योंकि इंटरिम बजट इस साल पास भी किया गया तो चांसेस हैं 2024 के प्रीलिम्स पे क्वेश्चन पूछा जाए इंटरिम बजट पर ओके तो पढ़ लेते हैं द प्रोविजन ऑफ वोट ऑन अकाउंट इज यूज बाय द रेगुलर गवर्नमेंट ऐसा लिखा हुआ है जबकि इंटरिम बजट जो होता है वो केयर टेकर गवर्नमेंट ही यूज करती है ऐसा कुछ नहीं है प्रेजेंट गवर्नमेंट जो होगी केयर टेकर गवर्नमेंट होगी कोई भी गवर्नमेंट इंटरिम बजट लाती है जब जब आपके इलेक्शन होते हैं ठीक है ऐसा नहीं सिर्फ केयर टेकर गवर्नमेंट ही लाएगी पहला स्टेटमेंट तो सीधा गलत हो गया ठीक है कि केयर टेकर गवर्नमेंट लाती है

तो उसके लिए आपको मेरे यादव नोट्स आप बाय कर सकते हैं या आप क्लासेस बाय कर सकते हैं अब देखोग बड़ा लेक्चर था बट सारे यूपीएससी सिविल सर्विसेज के क्वेश्चंस करा रहा हूं इतने इजी क्वेश्चंस नहीं होते हैं बट मैंने जल्दी जल जल जल्दी आपको क्वेश्चन कराए हैं जिससे आपको प्रैक्टिस हो सके किस तरह क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं और किस तरह आपको सॉल्व करना है ऐसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपकी आदत बन जाएगी सॉल्व करने की ओके याद रखिएगा अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो आपकी हेल्प हुई हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने में आप हमें हेल्प करना चाह रहे हैं कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं ये हमारा क्यू कोड है फोन पे पेटीएम गूगल पे नंबर भी है ये एक वॉलंटरली डोनेशन

के भी आपने क्लास देखी पॉलिटी के अब आप सोचोगे सर कहीं नोट्स मिल जाए जहां से पढ़ सकूँ तो ये पॉलिटी के नोट्स हैं आप देख सकते हैं प्रॉपरली हर चीजें यहाँ पर मैंशन है ओके आप इन नोट्स को इजिल क्लासेस को देख सकते हैं इकोनॉमिक्स की भी मैं भी क्लासेस कराऊंगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से भी टोटली अपडेटेड नोट्स आपको मिल जाएंगे हर सब्जेक्ट के नोट्स हैं टोटल फोर्टीन बुकलेट्स है नोट्स को ऑर्डर करने के लिए आपको मुझे व्हाट्सएप करना पड़ेगा नंबर नीचे मैंशन है आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करिए सॉफ्ट कॉपी में भी आप नोट्स को बाय कर सकते हैं अगर आप हार्ड कॉपी नहीं करना चाहते तो ओके नेक्स्ट uh, आगे बढ़ते हैं और आगे बात करूं याद रखिएगा आप हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं ओके तो okay, वहां पर जाकर आपको मेरी क्लासेस मिल जाएंगी हर सब्जेक्ट की ठीक है यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ याद रखिएगा मैंने किस तरह क्वेश्चन कराए इस तरह मेरी क्लासेस भी हैं आप अगर क्लासेस कर लोगे ना क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा तो प्री की क्लासेज मेन्स की क्लासेज और आंसर राइटिंग भी मैं आपको बताऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरह मेन्स में आ रहे हैं आंसर्स कैसे लिखना होता है वो सारी चीजें एक जगह आपको मिल जाएगी लाइफ टाइम कहीं अदर जाने की जरूरत नहीं है घर बैठे बैठे आप प्रिपरेशन कर सकते हो आपको डेली जाने की भी जरूरत नहीं है अगर आपने अदर कोर्सेज ले रखे हैं स्टिल आप इस कोर्स को लोगे तो आपकी एग्जाम निकालने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी याद रखिएगा ठीक है लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा इसमें ऑप्शनल के साथ आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी प्लस सबसे खास बात है मैं यहाँ पर पर्सनल गाइडेंस भी देता हूँ आपने क्लासेस देखी होंगी किस तरह मैंने आपको सारे क्वेश्चन डिस्कस किए क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चन अफकर्स आए हुए क्वेश्चन हैं तो क्वालिटी की जो तो डिबेट ही नहीं है एस करा रहा है कोई डाउट क्वेरी को जरूर बताइए अदर सब्जेक्ट्स को भी मैं कवर करूंगा आपको वीडियो को लाइक like, शेयर जरूर करना है जिसमें हम और आपकी जल्दी जल्दी टॉपिक्स जितने भी हैं प्रलम से पहले सारे कंप्लीट कर दें ओके okay? तो डू लाइक आर वीडियो डू शेयर आर वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो जिसमें उनकी भी हेल्प हो सके इसकी पी टेलीग्राम ग्रुप में आपको अवेलेबल हो जाएगी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थैंक यू एरिवन जय हिंद जय भारत